चलेंगे। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने मेरे ख्याल के मुताबिक इस जंग में एक और जीत कर ली है। आज आप देखें कि सेनेट रब्बानी साहब चेयरमैन के चेयरमैनशिप के अंडर जो सेनेटर्स आए हैं वो हर पॉलिटिकल जमात से हैं, हर फिक्र और खौफ के बगैर ये आए हैं, यकजा होके आए हैं, कॉन्फिडेंस से आए हैं और आके इन्होंने कहा है कि हम भी इस जंग में वकला के साथ शरीक होंगे, सिविल सोसाइटी के साथ शरीक होंगे, क्योंकि हमारा सबका मकसद एक ही है और वो है रियासत बचाना। मेरा ख्याल है जब ये इस तरह की यूनिटी, इस तरह का इत्तेहाद, इस तरह का जो कमिटमेंट है, जब हमारे अपर हाउस से हम देखते हैं और जो वकला ने कल ही दिखा दिया था कि इतना बड़ा हमला हुआ, लेकिन पूरे पाकिस्तान के आज वकला तैयार थे। कल हम जा रहे हैं क्वेटा भी मिलने और हम जगह जगह ये लड़ते रहेंगे अपनी जो हमारी हक की सच्चाई की जंग है। तो आज सेनेट ने भी ये दिखा दिया है हमें कि वो हमारे साथ खड़े हैं। इन सब ने बहुत खूबसूरत बातें की, इन्होंने ये बताया हमें कि आप देखें हम भी ये स्टेप्स लेने चल रहे हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल स्टेप्स का टाइम आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इस जंग में जो लोग बोलते रहते थे और बड़े आके जब भी हमला होता था लोग आके कहते थे कि जी बड़ा अफसोस हुआ और हम ज़रूर ठीक करेंगे काम, लेकिन बाद में चार दिन बाद भूल जाते थे। इन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है, इन्होंने हमें कहा है कि नहीं, हम इस बार आपके साथ खड़े होंगे, हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और जो भी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हम एग्री करेंगे उसको हम पूरी तरह नाफिज करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे हमें बहुत खुशी हुई, बड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा और मेरा ख्याल है ये कौम के लिए पैगाम है कि अगर हम सारे इकट्ठे होके सारी इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन लीगल कम्युनिटी है, पार्लियामेंट की मेरे मुताबिक सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन सेनेट है, अगर हम ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, नेशनल असेंबली भी हमारे साथ खड़ी हो जाए, अगर सारी प्रोविंशियल असेंबलीज भी खड़े हो जाएं, तो मेरा ख्याल है ये दहशतगर्दों को भागने की जगह नहीं मिलेगी इस मुल्क में इंशाल्लाह। देखें, मैं समझता हूँ कि ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करें, ये वक्त है कि हम ये देखें कि कहाँ पे कोताही हुई है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे बेशी है और उसको पूरा करें। और मैं एकदम और आगे जा के बात करना चाहूँ कि देखें, वाकया कल क्वेटा में हुआ, उससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, खुदा ना खास्ता कल को कहीं और ऐसा वाकया होता है और उसके बाद हम इकट्ठे होते हैं और रोना और यही अज़म दोबारा दोहराया जाता है, लेकिन वाकयात इस तरह ख़त्म नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी अब वक्त आ गया है जब रियासत पाकिस्तान को कुछ बुनियादी फ़ैसले जो हैं वो करने पड़ेंगे, वो फ़ैसले चाहे मुश्किल हों चाहे वो फ़ैसले दुश्वार हों, लेकिन जब तक रियासत वो बुनियादी फ़ैसले नहीं करेगी हम इसी तरह फायर फाइटिंग करते रहेंगे। एक दिन एक जगह वाकया होगा, फिर 10 दिन आराम से गुजरेंगे, फिर वाकया होगा। अब बुनियादी फ़ैसलों का वक्त आ गया है और रियासत को चाहिए कि वो बुनियादी फ़ैसले करें। मैं अजय गढ़ी साहब ने जो बात असेंबली में की है मैंने उनकी तकरीर सुनी नहीं है, लिहाजा मुनासिब नहीं होगा कि मैं उस पर कॉमेंट करूँ। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी मीडिया से बात कर रहे थे इस्लामाबाद में। उनका कहना था कि दहशतगर्द वकला के हौसले पस्त करना चाहते हैं, पाकिस्तानी पार्लियामेंट मेंबरान शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त इल्ज़ाम तराशी का नहीं गलती ढूंढने का है, बुनियादी फैसले करने का वक्त आ गया है और अब बुनियादी फैसले करना होंगे, रियासत को चाहिए कि वो बुनियादी फैसले करे ताकि इस तरह के वाकयात से निपटा जा सके। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी और अली जफर उनके हमरा मौजूद थे इस्लामाबाद में, मीडिया से बात कर रहे थे। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट रब्बानी की ज़ेरे क़यादत वफ़द ने सुप्रीम कोर्ट आए हैं और रज़ा रब्बानी ने सानहा क्वेटा पर वकला से ताज़ियत भी की है। ये थी वक्त आज़ाद।